प्रधानमंत्री को सुनने भीषण गर्मी में उमड़ा जन सैलाब। बुंदेलखंड के लोग राष्ट्रीय हित के लिए सबसे आगे खड़े होने वाले लोग हैं। जिसको 4 जून के नतीजे जानने हो वो बुंदेलखंड के ये दृश्य देख ले। बुंदेलखंड कह रहा है एक बार फिर मोदी सरकार। आप सबके बीच आने से पहले मैंने स्वामी ब्रह्मानंद को भी प्रणाम किया। स्वामी ब्रह्मानंद जैसे महान सेनानी, महान राष्ट्र संत का अमृत महोत्सव के दौरान हम सब ने पुण्य स्मरण किया था। हमारी सरकार ने उनके योगदान को इतिहास में दर्ज किया, लेकिन पिछली सरकारों ने उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया। वो सारा श्रेय केवल एक शाही परिवार को देना चाहते थे। दलितों पिछड़ों को सम्मान मिले ये उन्हें स्वीकार नहीं था। ब्रह्मानंद क्रीड़ा स्थल पर आयोजित जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उक्त बात कहते हुए, आज मैं आपको सपा और कांग्रेस से समाधान करने के लिए आया हूँ। सपा कांग्रेस आपका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद ये सौगात उनको बांटते हैं जो उनके लिए वोट जिहाद करते हैं। इस बार तो सपा कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही इरादे साफ कर दिए हैं। कांग्रेस कह रही है कि वो सबकी संपत्ति की जांच कराएगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने धर्म के आधार पर आरक्षण का घोर विरोध किया था और संविधान सभा ने भी तय किया था कि हमारे देश में कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन जहां कांग्रेस सरकार है वहां ये लोग दलितों और पिछड़ों का आरक्षण कम करके मुसलमान को दे रहे हैं। अब ये लोग संविधान बदलकर SC ST OBC का पूरा आरक्षण मुस्लिमों को देना चाहते हैं। हमारे कल्याण सिंह देश के महान नेता थे, उन्होंने पिछड़ों का सम्मान बढ़ाया, लेकिन जब उनका निधन हुआ तो सपा के मुखिया उन्हें श्रद्धांजलि देने तक नहीं गए। हमारे कल्याण सिंह राम भक्त थे, उन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी सरकार बलिदान कर दी थी। अगर ये बाबूजी को श्रद्धांजलि देने जाते तो उनका वोट बैंक नाराज हो जाता। जब यूपी में एक माफिया की मौत होती है तो उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने पहुंच जाते हैं। एक जमाना था जब सूखा बुंदेलखंड की पहचान बन गया था। बूंद बूंद पानी को हमारा बुंदेलखंड तरसता था। सपा कांग्रेस की सरकार क्या करती थी, योजनाएं बदलती थी, फिर उसका पैसा खा जाती थी। हमारी सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना पर काम शुरू किया है। आपके लिए पानी की समस्या दूर करने के लिए हमारी सरकार इस परियोजना पर 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। जब ये योजना पूरी होगी तो बुंदेलखंड के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू होगा। पिछली सरकारें कहती थी बुंदेलखंड तो बेहड़ है, वहां कौन जाएगा। मैं कहता हूं बुंदेलखंड वीरता और विकास की धरती है, यहां कौन नहीं आएगा। भाजपा सरकार देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर बना रही है। मोदी ने तय किया है कि एक डिफेंस कॉरिडोर वीरों की धरती बुंदेलखंड में बनेगा। हमारा प्रयास है कि युवाओं को बुंदेलखंड छोड़कर ना जाना पड़े। हमारा संकल्प है कि बुंदेलखंड उद्योग और रोजगार का केंद्र बने। आज आलाक उद्दल की धरती से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, राष्ट्र के सम्मान से ऊपर भी कुछ हो सकता है क्या? मोदी ने कश्मीर से 370 हटाई, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। देश के स्वाभिमान के लिए मोदी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से भिड़ा, लेकिन कांग्रेस इस पर पानी फेरने की बात कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि वो कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 वापस लाएंगे। कांग्रेस आजकल धमकी दे रही है कि पाकिस्तान से डरो, उसके पास एटम बॉम्ब है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, लेकिन ये धमकी देने वालों को पता नहीं है कि उसके पास उसके रखरखाव का भी खर्चा नहीं है। वो कहते हैं कि उनके पास मिसाइलें हैं। हम बुंदेलखंड में जो डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं वो पटाखे बनाने के लिए नहीं है, मिसाइल बनाने के लिए। प्रधानमंत्री ने पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, भानु प्रताप वर्मा और अनुराग शर्मा में वोट करने की अपील जनता से की है। पूरे गावन गावन से जितनी जनता आई है सब जने का हमारा राम राम। माता बड़ी चंद्रिका और जमुना माता की धरती को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं रानी लक्ष्मीबाई की कर्म भूमि करता हूं। बुंदेलखंड के लोग राष्ट्र हित के लिए सबसे आगे खड़े होने वाले लोग हैं। जिसको 4 जून का नतीजा जानना हो वो बुंदेलखंड में ये दृश्य देख ले। बुंदेलखंड कह रहा
फिर एक बार साथियों, यहाँ आप सबके बीच आने से पहले हम जी को भी प्रणाम किया। स्वामी ब्रह्मानंद जी जैसे महान सेनानी, महान राष्ट्र संत अमृत महोत्सव के दौरान हम सब ने उनका पुण्य स्मरण किया। हमारी सरकार ने उनके योगदान को इतिहास में दर्ज किया, लेकिन पिछली सरकारों ने उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया। वो सारा श्रेय केवल एक शाही परिवार को देना चाहते दलितों पिछड़ों को सम्मान मिले, ये उन्हें स्वीकार नहीं है। साथियों, आज मैं आपको सपा और कांग्रेस से सावधान करने के लिए आया। सपा कांग्रेस केवल आपका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन ये लोग सरकार में आते हैं तो सौगात किसको बांटते हैं? वे सौगात उनको बांटते हैं जो उनके लिए वोट जिहाद करता है। भारत भारत माता की। भाई बहनों, इस बार तो सपा कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही, कांग्रेस कह रही है कि वो सबकी संपत्ति की जांच करेगी, फिर आपकी संपत्ति में से एक हिस्सा अपने जो वोट जिहाद करने वाले वोट बैंक है उन लोगों को दे दें। आप मुझे बताइए भाइयों, आपकी संपत्ति किसी भी सरकार को आप छीनने देंगे क्या? अगर मेरी बात पहुंची है तो सब लोग जवाब दें। क्या किसी भी सरकार को आप अपनी संपत्ति छीनने देंगे क्या? किसी को लूटने देंगे क्या? आपके माता पिता ने जो मेहनत करके कमाया है उस पर आपका अधिकार है कि नहीं है? वो आपको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? लेकिन ये सपा कांग्रेस वाले अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कह रहे हैं वो एक्सरे निकालेंगे, कितनी जमीन है, आपका घर कितना बड़ा है। कोई है जिसके पास नहीं है वो वोट जिहाद वालों को बांट देंगे। क्या आपने अपने माता पिता की संपत्ति को बांटने देंगे क्या? आप फोटो निकालने में मशहूर है कि सुनते भी हैं? लग रहा है सुनते हैं, आपको फोटो में ज्यादा इंटरेस्ट है।